Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Karna Girls Junior College. Sorry, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you cultural functions of education. And this topic is very common, very much common in BA, BEd and MA, MEd. And in general, we must aware about the cultural functions of education. Okay. So let's start. Before starting, I have already discussed with you the video on culture and education, but still we must go through a quick recap about what is culture. Sanskriti kya hai? To sanskriti vishishtata hai, sanskriti wo sab kuch hai jo hum subah se raat tak karte hain, jeevan paryant karte hain. Isliye sanskriti ki ko paribhashit karna utna aasan nahi hai. Phir bhi anthropologist ne, manav vigyaniyon ne, samaj shastriyon ne, cultural anthropologist ne sanskriti ko paribhashit karne ka prayas kiya hai. Usme se do jo most famous definition hai, most popular definition hai culture ki, wo aapke samne hai. E.B. Taylor kehte hain ki culture is the complex whole which includes knowledge, beliefs, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Wo kehte hain ki sanskriti wo sankul hai, wo vishishtata, wo jatil sampurnata hai जो कि मनुष्य एक्वायर करता है, अधिग्रहण करता है, हासिल करता है समाज के एक सदस्य के रूप में. वो सारी योग्यताएं और आदतें जिसमें उसका ज्ञान, उसके विश्वास, उसकी कला, उसकी नैतिकता, कानून, कस्टम और सब कुछ आ जाएगा. राल्फ लिंटन कहते हैं कि कल्चर इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लर्नड बिहेवियर. वो कहते हैं कि संस्कृति जो है वो सीखे हुए व्यवहार का कॉन्फ़िगरेशन है एंड रिजल्ट ऑफ बिहेवियर. और इस व्यवहार का परिणाम कहाँ से आता है, क्या मिलता है, जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं, जो घटक तत्व हैं कल्चर के, वो जो मेंबर्स हैं, जो 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 संस्कृति, जो समाज के सदस्य हैं यानी कि मनुष्य हैं, जो उसी को शेयर और ट्रांसमिट करता है, ये राल्फ लिंटन कह रहे हैं. फिर कल्चरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे हैं. जब हम संस्कृति, जब हम शिक्षा के सांस्कृतिक कार्य पढ़ते हैं तो बहुत सारे हैं, जिसमें कि संस्कृति का प्रिजर्वेशन, संरक्षण करना है, संस्कृति का स्थानांतरण करना है, संस्कृति का प्रमोशन करना है, उसको प्रोत्साहन देना है, जो सांस्कृतिक द्वंद है उनको हटाना है, सांस्कृतिक सुधार करने हैं, संस्कृति की सातत्यता को मेंटेन करना है, कंटिन्यूटी बनी रहे, सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करना है और एक कंपोजिट कल्चर का विकास करना है. संस्कृति के इतने काम होते हैं. आपके कोर्स में तीन स्पष्ट फंक्शंस लिखे हुए हैं, कल्चरल डिफ्यूजन, एकल्चरेशन और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. तो हम इन्हीं तीन पर बात करेंगे. कल्चरल डिफ्यूजन, जब कल्चर डिफ्यूज होके एक समाज से दूसरे समाज में, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी पहुंच जाता है, वो कल्चरल डिफ्यूजन है. एकल्चरेशन जब, या उत्संक्रमण या सांस्कृतिक संक्रमण कहते हैं उसको, कि जब हम दो कल्चर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जो माइनॉरिटी कल्चर होता है वो दूसरे कल्चर का बहुत कुछ अपने हिसाब से ढाल लेता है लेकिन अपनी विशिष्टता बनाए रखता है, ये एकल्चरेशन है. और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि हम दूसरे कल्चर के हैं, आप दूसरे कल्चर के हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं कि हाँ, जो हमारे में यूनिकनेस है उसका सम्मान दे रहे हैं, डाइवर्सिटी को अपना रहे हैं, ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है. तो कल्चर चूंकि कंटेजियस है, फैलता है, जैसा कि एक प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि ये इसका ये कतई ये नहीं हो सकता कि हम अपना संस्कृति लेके बगल में रह रहे हैं और आप बगल में रह रहे हो, दोनों लोग एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, ये असंभव है. तो जो मनुष्य है उसके कस्टम्स, बिलीफ्स, टूल्स, टेक्निक्स, फोक टेल्स, ऑर्नामेंट्स और सब कुछ डिफ्यूज होकर लोगों से और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या लोगों तक पहुंचता है. टू बी श्योर, लेकिन क्यों फैलेगा ये भी निश्चित करना होगा कि वो लाभप्रद होना चाहिए दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे लोगों के लिए, कुछ उनको उसमें यूटिलिटी दिखे, कुछ बेनिफिशियरी एलिमेंट दिखे तो ही, या कुछ खुशी उनको उससे मिले तो वो उसको अपना लेंगे. It is a process by which the elements of culture spread from the society to another, or it is the spread of cultural traits from one group to another. यानी कि अगर आप cultural diffusion को परिभाषित करना चाहें तो इसका अर्थ होगा कि culture के element एक जगह से या एक समाज से दूसरे समाज में जा रहे हैं, या cultural traits का भी spread हो रहा है, यानी कि चारित्र, सांस्कृतिक गुणों का भी फैलाव हो रहा है. ये और ये दो लेवल पे होता है, material culture यानी कि भौतिक संस्कृति में जब आदान प्रदान हो रहा है, डिफ्यूज हो रही भौतिक संस्कृति, और अभौतिक संस्कृति. भौतिक संस्कृति यानी कि वो
इक्विपमेंट्स जो हम दूसरे दूसरे संस्कृति का अपना लेते हैं, लेकिन नॉन मेटीरियल कल्चर जिसको हम छू नहीं सकते, यानी कि उनके भाव, उनकी विचारधारा, उनके विश्वास. तो ऑगबर्न ने कहा कि जो नॉन मेटीरियल कल्चर है, जो अभौतिक संस्कृति है, वो रेजिस्ट करती है, मतलब वो विरोध करती है चेंज का, अपितु मतलब बजाय इन कंपैरिजन टू मटेरियल कल्चर. मटेरियल कल्चर हम जल्दी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर को चेंज करने में दिक्कत होती है. तो चूंकि मटेरियल कल्चर आगे बढ़ गया, या मटेरियल कल्चर को हमने ज्यादा अपना लिया और नॉन मटेरियल कल्चर को कम अपनाया, तो ये जो मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच का अंतर है, वही कल्चरल लैग हो जाता है ना. क्यों? क्योंकि जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो थोड़ा सा मुश्किल करता है एडजस्टमेंट में, रैपिडली नहीं चेंज होता, ये समय लेता है. तो वही पीछे रह जाता है जो थोड़े समय के बाद आ जाएगा, लेकिन ये जो समय का अंतराल है, जो संस्कृति का अंतराल है, वो कल्चरल लैग है. और कल्चरल लैग बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और कल्चरल लैग से कभी कभी स्ट्रेस और स्ट्रेन भी आता है, समाज का जो इक्विलिब्रियम या संतुलन है वो भी बदलता है. तो जिसको ऑगबर्न कल्चरल लैग का नाम दे रहे हैं, उसी को इमील दुर्खीम, जो बहुत प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का जिनको जनक माना जाता है, उन्होंने टर्म दिया एनोमी. वो कह रहे हैं कि जो जो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया उसको उन्होंने एनोमी नाम दिया. और उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो कंट्राडिक्शन आ जाता है समाज में कल्चरल लैग की वजह से. इट रिफर्स टू व्हेन सर्टेन कल्चरल वैल्यूज, आइडियाज और इवन कल्चर्स आर अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कल्चर्स. यानी कि हमारी संस्कृति को किसी और ने अपना लिया है, हमने मटेरियल ज्यादा अपना लिया, नॉन मटेरियल में पीछे रह गए, ये सारी बातें. तो ये सब कुछ कल्चरल डिफ्यूजन के हिस्से हैं. और कल्चरल डिफ्यूजन क्या है कि हमारा जो मतलब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो रही है, विसरित हो रही है, प्रसारित हो रही है. उसमें ज्ञान हो सकता है, नवाचार हो सकता है, भाषा हो सकती है, चारित्रिक बार बार मुझसे निकल, सांस्कृतिक गुण हो सकते हैं. तो कल्चरल डिफ्यूजन या कल्चरल बेंडिंग क्या होती है कि मर्ज हो जाएंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से में मर्ज हो जाते हैं या स्प्रेड हो जाते हैं. और ये फेनोमेना मेनली होता है जब एक कल्चर इमिग्रेट होकर दूसरी कल्चर लैंड पे चला जाए, है ना. हम यहां से उठ के कहीं और चले गए तो हमने वहां की चीजें डिफ्यूज हो गई, या दो से अधिक संस्कृतियां आपस में इंटरैक्ट करती हैं, व्यापार होता है इस तरीके का, या दो से अधिक संस्कृतियां रेगुलरली उनमें इंटरैक्शन, अंतः संबंध हो रहा है, अंतः क्रिया हो रही है, चाहे तो इसलिए कि वो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, पास पास है, या बहुत उनके बीच में यातायात हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, यात्रा हो रही है, इन सब. ये तीन वजहें कल्चरल डिफ्यूजन की हो सकती हैं. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कल्चरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में, एकल्चरेशन, जिसको कि सांस्कृतिक संक्रमण कहते हैं या उत्संक्रमण भी कहते हैं. ये टर्म आपको दिया है जॉन वेस्ले पॉवेल ने 1880 में, और उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजिकल चेंज आता है लोगों में ड्यू टू क्रॉस कल्चरल इमिटेशन, मतलब ए अपनी संस्कृति से हम दूसरी संस्कृति का हमने कुछ इमिटेट कर लिया है. क्यों इमिटेट किया? क्योंकि हमारे बीच में इंटरेक्शन हो रहा था. तो एकल्चरेशन को कैसे परिभाषित करेंगे कि जब एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति या समूह, एक कल्चर के व्यक्ति और समूह दूसरे कल्चर के व्यक्ति या समूहों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी दूसरे की कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, पर अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, व्हाइल स्टिल रिमेनिंग देयर ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. यानी अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं है, पूरी तरीके से उसमें मर्ज नहीं होते, लेकिन उनका अपना लेते हैं, अपना बनाए रखते हैं. ये एकल्चरेशन है. इट कैन ऑल्सो रिफर टू द मर्जिंग ऑफ कल्चर्स दैट अकर्स व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. बहुत लंबे समय तक उनमें कॉन्टैक्ट रह गया तो ऐसा होता है. फिर व्हेन द टू कल्चर्स कम इनटू कॉन्टैक्ट देयर इज सम इंटरचेंज. जब भी भाई दो संस्कृतियां आपस में एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, तो कुछ ना कुछ इंटरचेंज होगा कल्चरल डिफ्यूजन के थ्रू. और बट व्हेन द वे ऑफ लाइफ ऑफ वन कल्चर इज इन द प्रोसेस ऑफ चेंज अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अनदर कल्चर इज कॉल्ड एकल्चरेशन. भाई देखिए, कल्चरल डिफ्यूजन तो हमेशा होना है, लेकिन कल्चरल डिफ्यूजन के बाद जब हमने अपना वे ऑफ लाइफ आपके संक्रमण में आके, आपके कॉन्टेक्ट में आके बदल लिया, लेकिन अपनी विशिष्टता बनाए रखी, ये एकल्चरेशन है, है ना. और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हम पार्शियली मॉडिफाई हो, या बिल्कुल भी हम आपका पूरा आधिपत्य हमारे ऊपर हो जाए, बस हम थोड़ी सी अपनी विशिष्टता बनाए रखें, ऐसा भी हो सकता है. तो एकल्चरेशन में क्या होगा कि कल्चरल ट्रेडिशन, वैल्यूज और प्रैक्टिसेस जो डोमिनेंट सोसाइटी की होंगी, वो हम थोड़ा सा अपना लेंगे. इट इज ऑफन मेजर्ड बाई फैक्टर्स सच एज नेटिविटी,
लेंथ ऑफ टाइम इन न्यू कंट्री, एज एट इमिग्रेशन, लैंग्वेज एबिलिटीज एंड लैंग्वेज यूसेज कॉन्टेक्स्ट, मतलब कितने समय तक आप उनके साथ रहे, आपकी उम्र क्या थी, कितना समय बिताया, ये सारी बातें, ये सब प्रभावित करते हैं. द डेफिनेशन अगर एक्लेशन की देना चाहें तो इट इज द प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल्स एसिमिलेट द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी टू विच दे बिलोंग, यानी कि जिस संस्कृति के आप संपर्क में गए उसके आपने कल्चरल नॉर्म को एसिमिलेट कर लिया. इट इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स आर एसिमिलेटेड ए कल्चर दैट इज नॉट देयर नेटिव कल्चर. ये खास बात है, हम उस कल्चर को अपना रहे हैं जो हमारा देशी, मतलब हमारा अपना कल्चर नहीं है. एजुकेशन इज अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन एक्लेशन. एजुकेशन देखिए, पढ़ने जाते हैं बच्चे, विदेश जाते हैं, है ना, नौकरी करने आप बाहर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अपना लेते हैं और अपनी विशिष्टता भी बनाए रखते हैं. इसका मतलब ये एक्लेशन है. तो एजुकेशन, शिक्षा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारक की भूमिका में होती है एक्लेशन के, एज इट इन्फ्लुएंसेस द कंटिन्यूटी थ्रू द आइडियाज एंड मोटिवेशन दैट आर ट्रांसमिटेड. इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स एडजस्ट. इसमें क्या होता है कि समूह या व्यक्ति एडजस्ट करते हैं अपनी सोशल, कल्चरल वैल्यूज, आइडियाज, बिलीव्स एंड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ देयर कल्चर ऑफ ओरिजिन टू दोज ऑफ ए डिफरेंट कल्चर, तभी तो अपनाएंगे ना. तो ये एडजस्टमेंट एक्लेशन का हिस्सा है. और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी, यानी कि हम में वो योग्यता आ जाए कि हम कॉम्प्रिहेंड, समझ सकें, अप्रिशिएट, उनको अप्रिशिएट कर सकें, उनको मतलब कह सकें कि उनकी अच्छाइयों को स्वीकार कर सकें, रिस्पेक्ट और आदर कर सकें. किसका? दूसरे के कल्चर के बिलीफ, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड बिहेवियर का, फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, जो विभिन्न सांस्कृतिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनके भी अगर आप कल्चरल बिलीफ्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन और बिहेवियर को कॉम्प्रिहेंड कर सक रहे हैं, यानी समझ सक रहे हैं, उनको सम्मान दे सक रहे हैं, उनको अप्रिशिएट, बड़ाई, उनकी तारीफ कर सक रहे हैं, उनका आदर कर सक रहे हैं, तो ये कल्चरल, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, ये योग्यता. अंडरस्टैंडिंग कल्चर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, विल हेल्प अस ओवरकम एंड प्रिवेंट रेशियल एंड एथनिक डिविजन. तो ये हमारे जो जाति, जो सांस्कृतिक, जो एथनिक रूप से हम कटे बटे हुए हैं वो खत्म होगा, कम होगा. दिस कैन रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग. इससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, कभी कभी हिंसा हो जाती है. वन मस्ट कल्टिवेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर ओन कल्चर एंड हाउ इट इफेक्ट्स अस एज वेल एज डिफरेंसेस इन द कल्चर्स ऑफ अदर्स एंड हाउ देयर लाइव्स आर इफेक्टेड टू. यानी कि दूसरे के कल्चर को समझने की समझ ही क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है. इससे क्या होगा कि हम रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट एंड करेक्टली रिएक्ट टू द पीपल. यानी कि हम दूसरी संस्कृति के लोगों से मिलेंगे तो हम सही सही समझ पाएंगे, उनका अर्थ निकाल पाएंगे, उनको अच्छे से रिएक्शन दे पाएंगे अगर समझ सके, और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी. और अगर हम ज्यादा कल्चरली अवेयर होंगे तो ये क्या होगा, मतलब बिकमिंग मोर कल्चरली अवेयर. ऐसा नहीं होगा कि आज हम कल्चरली अनअवेयर हैं और कल हम कल्चरली अवेयर हो जाएंगे, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया चलेगी. इससे क्या होगा कि हाँ, हमको क्यूरियोसिटी हमारी बढ़ेगी, हम एक ओपन माइंड के व्यक्ति हो सकेंगे, एक हमारे अंदर विलिंगनेस आएगी, इच्छा आएगी कि हम प्रश्न पूछें, कुछ सीखें कि कैसे दो संस्कृतियों के बीच में ये अंतर है, इसका क्या रैशनेल है, एंड एन ओपननेस टू बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ वंस ओन कल्चरली शेप्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, परसेप्शंस एंड बायसेस. इससे हमको अपनी सांस्कृतिक जो हमारे मूल्य, विश्वास, परसेप्शन और हमारे पूर्वाग्रह हैं उनको भी समझने में हमको मदद मिलेगी. और इसका हमारे लिए क्यों जरूरी है, जरूर हमको शिक्षा में क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को स्थान देना चाहिए. इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी होंगे वो अधिग्रहण कर सकेंगे, समझ सकेंगे उन एटीट्यूड्स का, वो उस ज्ञान का, वो कौशल का जो कि जरूरी है विद इन देयर ओन माइक्रो कल्चर. हम खुद भी तो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के हैं विद इन अ सेम कंट्री. माइक्रो कल्चर मेन स्ट्रीम कल्चर एंड दी ग्लोबल कम्युनिटी, है ना, यानी कि हमारा अपना कल्चर, छोटा समूह जहाँ पे हम रहते हैं, मेन स्ट्रीम कल्चर जो पूरे भारतवर्ष का कल्चर है, जो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी का कल्चर है, उसमें उसको हम समझ सकेंगे. दिस वे इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑब्टेन एडिक्वेट नॉलेज, इंटरनलाइज एटीट्यूड्स एंड डेवलप स्किल्स नीडेड टू फंक्शन अप्रोप्रिएटली इन दी कल्चर एट ऑल लेवल्स, लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल. इससे अगर हमको ये ज्ञान, ये कौशल, ये सबका अधिग्रहण हमने कर लिया तो जो हमारे विद्यार्थी होंगे वो आपके क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पर भी क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का परिपालन करते हुए समझ सकेंगे दूसरे लोगों को, जो बहुत जरूरी है. और ये भी क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है कि अगर आपको उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना हो तो मैटर है कि लिंकटेक ने कहा कि क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक कंसर्न है, इज कंसर्न विद understanding people from different cultural backgrounds in order to be able to do business with them. देखिए business में बहुत ही टर्म आ गया, अब तो बहुत बाहर जाना है आपको, बाहर की फर्म्स में काम करना है, आप उनका कल्चर नहीं समझ रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं, इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, रिकोगनाइज नहीं कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा. तो बाहर बिजनेस अगर करना है तो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना.
जिससे कि हम अपने एटीट्यूड्स और वर्ल्ड व्यू जो हमारा है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सके, उसका पुनः निर्माण कर सके। तो इससे क्या होगा कि जो जो प्रिजुडिस और मिसअंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हो जाती है उससे बचाव मिलेगा। तो ये है कल्चरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में, तो ट्रांसमिशन, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड ऑल ये सब है, लेकिन आपके कोर्स में ये तीन स्पेसिफिक फंक्शन लिखे गए हैं, आपका पहला कल्चरल डिफ्यूजन, एक्कल्चरेशन और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप कि ये तीनों ही टर्म आपको अब क्लियर होंगे। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक ऑफ कल्चरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।